नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आप लोग अक्सर पूछा करते हैं कि सर मैं अपनी गाड़ी की थ्रोटल बॉडी को कब क्लीन कराऊं, कंपनी शेड्यूल के हिसाब से थ्रोटल बॉडी को कब क्लीन कराना चाहिए। कुछ मित्र कहते हैं कि मेरी गाड़ी 50,000 किलोमीटर चल गई है, क्या मैं थ्रोटल बॉडी को क्लीन करा लूँ। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, इसमें हम यही विस्तार में जानने वाले हैं कि थ्रोटल बॉडी को आपको कब क्लीन कराना है और इसको क्लीन कराना कितना सही है। इससे पहले मैं आपको बता दूंगा, दो तरह की थ्रोटल बॉडी होती है। आजकल की जो गाड़ियां हैं उसमें थ्रोटल बॉडी इलेक्ट्रॉनिक आती है। पहले जो गाड़ियां आती थी उसमें आपको वायर सिस्टम थ्रोटल बॉडी से जुड़ा हुआ मिलता था, जो कि एक्सीलेटर पेडल से जुड़ा होता था। जब हम एक्सीलेटर पेडल को प्रेस करते थे तो यहाँ पर जो है बटरफ्लाई ओपन या क्लोज होती थी, इसके अंदर जो बटरफ्लाई होती है। तो आजकल की जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी होती है, यानी इंजन का जो RPM होता है उसको आप मैनुअली सेट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि इसको आपको कब क्लीन कराना है। देखिए दोस्तों, अगर आप कंपनी शेड्यूल की बात करें तो कंपनी ने ऐसा कहीं भी नहीं लिख के दिया है कि आपको 40,000 किलोमीटर या 50,000 किलोमीटर या 60,000 किलोमीटर पर इसको क्लीन कराना है। अब यहाँ पर जो है आपको खुद ही देखना होगा, अगर आपकी गाड़ी का पिकअप कम हो रहा है, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है चलते समय, अगर कुछ झटके वगैरह ले रही है, तब आप जो है थ्रोटल बॉडी को क्लीन करा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि थ्रोटल बॉडी को मैं खुद ही क्लीन कर लूँगा, स्पेशली इस तरह की थ्रोटल बॉडी को, इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी को, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि थ्रोटल बॉडी को एक बार खोलने के बाद जब आप क्लीन करके दोबारा फिट करेंगे तो इंजन का RPM कम ज़्यादा होने लग जाता है, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उसको आप खुद सही नहीं कर सकते। इसके लिए आपको फिर जो है OBD डिवाइस का यूज करना पड़ेगा, जो RPM है फ्लक्चुएट होता है उसको सेट करना होगा। तो यहाँ पर जो है कैलिब्रेशन कराना होता है इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी को क्लीन कराने के बाद। मैं खोल के क्लीन करने की बात कर रहा हूँ। कुछ जो मैकेनिक होते हैं वो स्प्रे के माध्यम से भी क्लीन कर देते हैं, तो अगर आप खोल के क्लीन करते हैं तो बाद में आपको कैलिब्रेशन भी कराना होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, कभी भी इस तरह की थ्रोटल बॉडी को आप खुद ना छेड़िएगा, ठीक है। और रही बात थ्रोटल बॉडी को क्लीन कराने की, जैसा कि मैंने कहा, कंपनी ने कहीं भी नहीं लिख के दिया है कि 50,000, 60,000 या 40,000 किलोमीटर पर इसको क्लीन कराना है। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, जब तक आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं हो रही है, तब तक आप थ्रोटल बॉडी से छेड़खानी ना करें। अब यहाँ पर जो है कुछ कंडीशन में ऐसा भी देखा गया है, कुछ भाई लोगों ने 40,000 किलोमीटर पर थ्रोटल बॉडी को क्लीन करा लिया, उसके बाद गाड़ी में वाइब्रेशन फील होने लगा, RPM डाउन हो गया या फिर RPM बढ़ गया है। तो RPM कम ज़्यादा भी होता है, कभी भी ऐसा होता है कि रेस गाड़ी की जो इंजन का RPM है वो कम होने होगा, थोड़ी देर बाद डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कैलिब्रेशन अगर नहीं किया जाएगा तो ये इशू आएगा। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि RPM डाउन हो जाता है, जिससे इंजन में वाइब्रेशन ज़्यादा होता है। शुरुआत में मेरी गाड़ी में भी जो है मुझे ऐसा फील हो रहा था कि गाड़ी का जो RPM इंजन का वो कम हो गया, इसी वजह से मेरी गाड़ी के इंजन में वाइब्रेशन है फर्स्ट गियर में गाड़ी को आगे बढ़ाने पे। लेकिन जब मैंने कंपनी की साइट पे जाके देखा कि ओल्टो K10 के इंजन का आइडल RPM कितना होना चाहिए, तब मुझे पता कि जो RPM मेरी गाड़ी के इंजन का वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो है आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी है, यानी इसको कभी खुलवा के नहीं करना है। जब भी आप इसको क्लीन कराएं तो स्प्रे से करा लीजिए, अदरवाइज इश्यूज आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है, जैसा कि मैंने कहा, इसको आपको छेड़खानी नहीं करनी है। तो ये जानकारी थी थ्रोटल बॉडी के बारे में। अगर आप इसको क्लीन कराना चाहते हैं तो स्प्रे से करा लीजिए, लेकिन अगर आप इसको खोल के क्लीन कराएंगे तो थोड़े बहुत दिक्कतें आएंगी। तो ये जानकारी थी थ्रोटल बॉडी के बारे में। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।